हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर फिर से हम बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और कभी कभी ऑनलाइन पेमेंट की वजह से हम गलती से दो बार भी पेमेंट कर देते हैं और ऐसे में हम चाहते हैं कि एक बार का पैसा हमारा हमें रिफंड हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए इस तरीके की जो सिचुएशंस होती हैं, दो बार अगर आपने ऑनलाइन किसी को पैसा पेड कर दिया तो हर कंडीशंस में, हर सिचुएशन में आपको पैसा रिफंड नहीं आता। दोस्तों, यहाँ पर एक कॉमन सिचुएशन में आपको आज की स्टडी के अंदर बताने वाला हूँ कि आपको डबल पेड किया वो पैसा जो है वो कब रिटर्न नहीं मिलेगा। दोस्तों, अपने चैनल की वेबसाइट है technicalbonus.com, स्क्रीन पर नाम आप देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल में यहाँ पर लिखता रहता हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर जो पेमेंट्स हम करते हैं, बहुत सारी जगहों पर हम पेमेंट करते हैं जहाँ पर हमें पैसा रिफंड मिल जाता है, लेकिन एक पेमेंट होता है जिसे हम रिकरिंग पेमेंट कहते हैं। आमतौर पे जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का हम पेमेंट कर रहे हैं, या तो फिर कोई चीज़ का हमने पेड सब्सक्रिप्शन लेकर रखा है, या तो फिर अपने पोस्टपेड का टेलीफोन कनेक्शन लेकर रखा है, यानी ऐसे वो पेमेंट्स जो हमें मंथली बेसिस पर आमतौर पर पेड करने होते हैं या एक स्पेसिफिक टाइम पर पेड करने होते हैं, तो इनमें अगर आप डबल पेमेंट कर देते हो तो फिर ये ऐसी कंडीशन में आपको पैसा जो है वो रिफंड नहीं आता। तो दोस्तों, फिर वो पैसा जाता कहाँ पर है? तो देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी हम जानते हैं कि मंथली बेसिस पर हमें पेड करना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट अगर आपने दो बार कर दिया तो ऐसे सिचुएशन में वो जो पैसा हमने दिया है एडवांस में, या ज्यादा जो पैसा हमारा चला गया है, तो वो पैसा जो है वो एक तो हमारा डिपॉजिट में ऐड हो जाता है, या तो फिर किसी अगले पेमेंट के अंदर वो हमें माइनस करने के लिए अलाउ किया जाता है। अभी देखिए, एक चीज़ को हमें यहाँ पर याद रखना है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हर बार कंपनी हमें रिमाइंड करे कि आपका ये पैसा जो है वो एडवांस में जमा है, क्या आप इसे कट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। हर कंपनी जो है ये हमें अलाउ नहीं करती, यानी पहले से वो सजेशन नहीं देते। एडवांस पेमेंट अगर आता है तो वो डिपॉजिट में, इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम कंडीशन अगर लेते हैं तो वो डिपॉजिट में ऐड भी रख लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि इस तरीके के रिकरिंग पेमेंट पर आपको पैसा जो है वो रिफंड किया जाएगा, या तो फिर नेक्स्ट किसी पेमेंट के अंदर उसे एडजस्टमेंट किया जाएगा। अभी देखिए, कंपनी यानी जो भी कंपनी का पेमेंट हम कर रहे हैं, तो उस कंपनी ने इस सिचुएशन के लिए क्या पॉलिसी बनाई है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर कंपनी ने पॉलिसी में लिखा है कि पेड जितना आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उससे ज्यादा अगर आप पेड कर दोगे तो बाकी का पैसा हम आपको रिफंड कर देंगे, तो उनकी जो पॉलिसीज होती है उसके हिसाब से फिर वो आपको पैसा जो है वो रिफंड भी कर देते हैं। लेकिन अगर इस तरीके की पॉलिसी बनी है कि जितना आउटस्टैंडिंग है उससे ज्यादा अगर आपने पेड कर दिया तो हम आपको नेक्स्ट पेमेंट में एडजस्टमेंट जो है उसका करके दे देंगे, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको वो पैसा जो है वो रिफंड नहीं आता। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल मुझे कमेंट भी आई थी पहले, तो इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट दो बार हो गया, तो ऐसी कंडीशन में ये पैसा जो है आपका वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होने वाला है और पैसा जो है आपको एक तो रिफंड हो जाएगा या तो फिर अगले किसी बिल में उसको एडजस्ट जो है वो करना रहेगा। तो दोस्तों, एक चीज का यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसका जो डबल पेमेंट हुआ है उसका जो पेमेंट रिसिप्ट है आपको संभाल कर रखना है, ताकि आपको नेक्स्ट किसी पेमेंट के अंदर उसको एडजस्ट करवाने में मदद मिले, क्योंकि यहाँ पर आपके पास वही एक रिकॉर्ड है जिसे आप कंपनी को बता सकते हैं कि देखिए मेरा ट्रांजेक्शन आईडी है और मैंने ये जो है वो गलती से मेरा डबल पेमेंट हो गया था। तो ये चीज जो है वो हमें ध्यान में रखनी है। अगर आपको ऑनलाइन अलाउ नहीं किया जाता है इस तरीके के पेमेंट को एडजस्ट करने का, यानी अगर एडवांस में भर दिया था और नेक्स्ट किसी पेमेंट के अंदर अगर आपको रिमाइंड नहीं किया जा रहा है ऑनलाइन, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको प्रैक्टिकली उसके ऑफलाइन ऑफिस में जाना होगा और उसको एडजस्ट करवाना होगा, नहीं तो फिर वो एडवांस में जो है वो आपका डिपॉजिट में भी ऐड हो सकता है। तो कंपनी की ओवरऑल हम अगर इसका अगर देखें तो यहाँ पर जो है ये डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी के ऊपर, आपको रिफंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आमतौर पर रिकरिंग पेमेंट का जो होता है, अगर आपने एडवांस भर दिया है या ज्यादा अगर आपने दे दिया तो वो अगले किसी पेमेंट के अंदर वो एडजस्टमेंट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें परेशान नहीं होना है कि हमने डबल इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर दिया तो फिर पैसा हमें रिटर्न नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग जो है वो वेट करते हैं, परेशान होते हैं, सोल्यूशन ढूंढते रहते हैं कि यहाँ पर इसका कहीं से हमें सोल्यूशन मिल जाए, पैसा रिफंड हो जाए, लेकिन काफी एक लॉन्ग टाइम तक के जो पैसा रिफंड ना मिलने पर लोग परेशान होते हैं। तो सोचा कि यहाँ पर चलिए इस पर एक वीडियो ही बना देते हैं, ताकि थोड़ा सा इस वीडियो को देखकर जो है ऐसे लोगों की परेशानी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो दोस्तों, अगर ये सिचुएशन आपके साथ में हुई है तो आप रिलैक्स रहिए, वो आपके पैसे जो है वो वेस्ट नहीं होने वाले। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की आपको ठीक लगी होगी।
अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर आपका डाउट जो है वो लिख सकते हैं। अगले किसी वीडियो के अंदर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताने की जरूर कोशिश करूंगा।